अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिक्स ऑफ ऑल समथिंग ऑफ एवरीथिंग। आज है हमारा दूसरा दिन मेरी ननंद के यहाँ, और यहाँ इन्होंने मीठा बनाने की तैयारी कर ली है और बच्चे गए हैं प्लेग्राउंड खेलने के लिए। सुबह का यहाँ तक का शूट मैं कर नहीं पाई, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि हमारे जीजू एक्यूपंचरिस्ट हैं, तो यहाँ पे हुंसूर में उनकी क्लिनिक है। ये क्वालिफाइड हैं एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर के लिए। जो भी इनके यहाँ ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ये दिया गया है एड। ये आ गई उनकी हाउस हेल्प। अभी जो आप देख रहे हैं वो है चूल्हा, जो पानी गर्म करने वाला है। ऐसे चूल्हे पहले रहते थे, अभी सिटीज में सोलार गीजर वगैरह, पर इसमें गर्म किए हुए पानी में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। तो सारे बच्चे खेल के आ गए, अभी ये हैंड वॉश करने के लिए जा रहे हैं। Assalamualaikum viewers, I am back। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं। मुझे अच्छा लगा खेल के, और बहुत जोर की भूख भी लगी है। अभी हम जा रहे हैं टेरेस पे नज़ारा देखने के लिए, लेकिन हमें ये नज़ारा दिखा कि एक चूहा को किसी ने मर्डर करके फेंक दिया। वो है मर्डरर चील। अभी हमने चूहा देख के फिर से जा रहे हैं। मुझे शक था कि वो चूहा मेरे पेट के अंदर से निकला है, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी मुझे रोटी चाहिए, और मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने शुरू कर रही हूँ। और हाउस हेल्प आ गई थी, आपने देखा था, तो आप ही उनके साथ बिजी हैं, उनको बर्तन वगैरह एम्प्टी करके दे रही हैं, और जीजू भी क्लीनिंग के लिए सामान इधर उधर कर रहे हैं ताकि ग्रूमिंग वगैरह अच्छे से हो जाए। और हमारी फैमिली में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर लेते हैं। आगे देखेंगे मेरे हस्बैंड मेरे बेले हुए रोटियों को पकाएंगे। जब तक मेरी मम्मा रोटी बना रही है, हम लोग टीवी देख के एंजॉय कर रहे थे। ये है मेरा भाई अयान। आपको तो मालूम था कि ये मेरी बहन मरियम, और ये मेरी लवली दादी माँ।
आप तो जानते ही हैं कि मुझे कुकिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ जब मैं रोटियाँ बेल रही थी, मेरी सासू माँ कमेंट कर रही थी कि और पतली बेलना है, वहाँ पे ठीक से बेलो। पर मैं ऐसे तैसे करके गोल गोल रोटियाँ बेल रही थी, जो कि सर्कल तो बिल्कुल नहीं थी। ये है मेरे हस्बैंड रोटियां बनाते हुए, ये बहुत बढ़िया रोटियां बनाते हैं। फाइनली हमें रोटी मिल गई, मैंने 3 खाई। ये मैं हूँ नाश्ता करते हुए। हाउस हेल्प के लिए रोटियां बनानी थी तो मेरे हस्बैंड ही बेल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से कंट्री का मैप है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रोटी बेहतर थी या फिर मेरे हस्बैंड की बेली हुई रोटी बेहतर थी। नाश्ते के बाद हमें मिली गरम गरम जैगरी की चाय। तो मैंने कहा था कि हस्बैंड हमारी फैमिली में हेल्प करते हैं, यह है जीजू आप ही की हेल्प करते हुए। नाश्ते के बाद खेला इन्होंने कैरम और अभी बज रहे हैं 11। ये है अर्श के पड़ोसी फ्रेंड देव, जो शिराज को हमने लेके नहीं दिया वो उन्हें आज मिल गया, जो कि है जैक फ्रूट और ये बहुत बहुत स्वीट हैं। और मुझे भी जैक फ्रूट बहुत पसंद है, ऑलमोस्ट हमारी फैमिली में सभी को पसंद है। अभी हम सारे तैयार हुए हैं बाहर जाने के लिए। हमने सोचा कि कहीं एक छोटी सी चक्कर मार के आएं और कोई अगर पानी की जगह मिले तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो हमने सब कुछ स्नैक्स वगैरह पैक कर लिया और हम जा रहे हैं। जीजू ने उनके दोस्तों से और रिलेटिव से इन्क्वायर किया था कि कोई आसपास में ऐसी जगह हो जहाँ पे हम जाएं और घूमें, लेकिन फाइनली हमको कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पे क्राउड ना हो। और आजकल पानी वगैरह की जगह पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं होती, इसीलिए हमने एक जगह चुनी है, लेकिन इस व्लॉग में उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। हम इंक्लूड करेंगे उसको अगले व्लॉग में। हमने यहाँ पे रुक के खाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम, क्योंकि समर का सीज़न है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम निकले थे 2 अलग अलग कारों में, तो हमारे जो जीजू की कार है वो आगे से आ रही थी और सभी ने अपना
उसने अपने लिए फालूदा मिक्स लिया। मैंने कहा कि वीडियो के लिए कुछ कमेंट करें, तो इन्होंने अपना स्पून गिरा दिया और मैंने अपना स्पून इनको दे दिया। ये है वो ऑफिस जहाँ पे मेरे ससुर जी काम करते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। ये देखिए इन सब के मज़े। और जैसे कि हमेशा शिराज करते हैं, आज भी वो वॉइस ओवर करते करते सो गए। अकेले वॉइस ओवर करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की कि डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन हमसे हो ही नहीं पाता। वॉइस ओवर में भी हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ये देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं, और शायद अभी बारिश होने वाली है। ये हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे, और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। बहुत सारी मछलियाँ देखी हमने, जो कि वीडियो में कवर नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने कहा था कि पानी की जगह सेफ नहीं है। मेरे हस्बैंड इनको यहीं पे डांट के बिठा रहे हैं, पर बच्चे हैं मानते ही नहीं, उनको खेलना है पानी में। हम घर से निकले थे 1:30 बजे, और अभी कुछ 6:30 हो रहे हैं। तो जो भी हमने स्नैक्स लाया था वो यहीं पे हमने खाया, मज़े किए, और मछलियों को भी थोड़ा एप्पल वगैरह खिलाया हमने। तो हम वापस आए हैं घर। तो आज बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद सब लोग मिलके कहीं गए थे और बहुत मज़ा आया। तो ये आ रहे हैं हमें सी ऑफ करने के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।